दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेंट्स कुर्ते में किस साइज के लिए कितना आसन रखें और कितनी थाई रखेंगे और ये बैक कितनी बढ़ाकर रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ठीक है। ये बैक पार्ट एक्स्ट्रा होता है और जो पजामे के चारों पल्ले बराबर कटिंग की जाती हैं फ्रंट और बैक, उस पर भी हम आपको बताएंगे कितनी थाई रखना है, कितना आसन रखना है। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आसन के बारे में, किस साइज़ के लिए कितना आसन रखें। तो दोस्तों, जिस पजामे में हम बैक बढ़ाकर काटते हैं यहाँ थाई के पास, और ये देखिए दोस्तों, ये मोहरे के पास जो हम बैक बढ़ाकर कटिंग करते हैं उसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। ये हम सबसे पहले जो हम कटिंग करते हैं तो नेफे के लिए हम 2 इंच का छोड़ देते हैं ऊपर, जो हम इलास्टिक डालते हैं या नाड़ा डालते हैं। उसके बाद उस 2 इंच को छोड़ने के, उस 2 इंच का मार्क जो हमने ये मार्क लगाया है, इस मार्क से फिर हम निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से इंची टेप रखेंगे, फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। पर सवाल ये है कि आसन का निशान किस साइज़ के लिए कितना लगाएं, ठीक है। तो बहुत ही आसान और सिंपल है ये वीडियो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हिप का नाप लेंगे बिल्कुल फिट में, जितनी भी हिप होगी उसको तिहाई भाग करेंगे यानी 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, तीसरा भाग रखेंगे हिप का, तीसरा भाग जितना भी बनता है उससे हम आधा इंच कम करके रखेंगे, ठीक है। जैसे कि 36 इंच हिप है तो 36 इंच का तीसरा भाग, तिहाई भाग होता है 12 इंच। तो हमको 12 इंच में हाफ इंच माइनस कर देना है यानी आधा इंच कम कर देना है, तो होता है 11.5 इंच। तो हमको यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच का निशान लगा लेना है। तो दोस्तों, ये फार्मूला करीब 38 इंच हिप होने तक चलेगा। अगर 38 से ज़्यादा हिप होती है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 40 इंच हिप है, अगर 42 इंच हिप है, 44, 45, 46 इस तरीके से अगर हिप है तो क्या करेंगे आप, तो भी आपको इस तरीके से करना है, जितनी भी हिप है उसका तीसरा भाग करेंगे, तिहाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जितना भी बनेगा हिप का तीसरा भाग जितना बनेगा उसमें आपको 1 इंच माइनस कर देना है यानी 1 इंच कम कर देना है, उतना ही निशान आसन का यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो दोस्तों, ये तो वही आसन की बात। अब कर लेते हैं थाई के लिए। दोस्तों, थाई कितनी रखेंगे, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं पजामे की कटिंग कैसे की जाती है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि पजामे की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। या कुर्ता या पजामे की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या लेडीज सूट की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हैं। अब कर लेते हैं थाई की बात। ये वाला भाग थाई होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थाई। तो ये थाई आपको किस हिसाब से रखनी है दोस्तों, तो ये देखिए, हम जब फ्रंट पल्ले की जब पहले कटिंग करते हैं तो हमें ये इसकी चौड़ाई कितनी रखना है, ये यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो वो आप समझ लें। तो जैसे कि आपको थाई का नाप लेना है बिल्कुल फिट में, ठीक है, जो हमारी रान होती है जिसको हम थाई बोलते हैं उसको बिल्कुल फिट में नापेंगे तो जितना भी बनेगा। अगर जैसे कि आप थोड़ा फिटिंग पैजामा पहनना चाहते हैं तो उसमें आप जितनी भी थाई होगी 2 इंच ऐड कर लेंगे यानी 2 इंच उसमें और जोड़ना है। उसके बाद जितना भी बनेगा उसका आप हाफ करेंगे, उसका हाफ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक उतना ही मार्क लगाएंगे फ्रंट पल्ले पर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मान लीजिए 24 इंच थाई अगर नाप में आती है तो थोड़ा सा अगर फिटिंग पैजामा पहनना चाहते हैं आप तो उस पर आप 2 इंच ऐड करेंगे तो होता है 26 इंच, और 26 का हाफ होता है 13 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 13 इंच का मार्क लगा देंगे, और उसके बाद ये देखिए 13 का जितना भी आप थाई का मार्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ करीब 1.5 इंच बैक करेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ, और ये इसी मार्क को हमें ये देखिए स्ट्रेट कर देंगे ऊपर तक, और यही हम इसका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम राउंड शेप में गुलाई देते हैं, जो आसन की गुलाई दी जाती है। तो थाई का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच बैक निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और वहीं से गुलाई बनाएंगे, राउंड शेप बनाएंगे। अब मैंने आपको ये फिटिंग के बारे में बता दी। अगर आप थोड़ा सा लूज पजामा पहनना चाहते हैं, थोड़ा सा ढीला पहनना चाहते हैं तो जितनी भी थाई होगी उसको फिट में नापेंगे, उसमें 3 इंच ऐड, उस पर 3 इंच ऐड कर देंगे यानी 3 इंच और जोड़ लेंगे, और उसका हाफ निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना बनेगा उतना हाफ मार्क लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बैक कर देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा ढीला पजामा पहनना चाहते हैं, खुला पजामा पहनना चाहते हैं तो आपको हिप का बिल्कुल फिट में नाप लेना होगा, आपको उसमें 4 इंच ऐड कर देना है यानी 4 इंच और जोड़ लेना है। तो जितना बनेगा आप उसका हाफ करेंगे और उतना ही निशान लगाएंगे। उसके बाद बात आती है इस वाली बैग की, ठीक है। ये जो यहाँ से हमने फ्रंट पल्ला कट कर दिया, अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला कट किया है, ये हमारी बैग एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक,
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी बैग एक्स्ट्रा आ रही है और यहाँ भी एक्स्ट्रा है। तो पहले इसके लिए जान लेते हैं, अगर फिटिंग यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बैग को एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखेंगे, अगर थोड़ा मीडियम थोड़ा खुला थोड़ा लूज पैजामा चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितना रखना है, उसके लिए अगर मीडियम पैजामा है तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच रखेंगे, अगर हैवी साइज़ का है तो यहाँ से यहाँ तक 3 इंच रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोहरी की, तो मोहरी पर कितना बढ़ाकर रखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैग के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जो पैजामे के पल्ले चारों पल्ले बराबर कटिंग किए जाते हैं उसके लिए आपको कितना आसन रखना होगा, थाई किस हिसाब से रखते हैं, तो उस पर क्या होता है ये देखिए दोस्तों, ये हम बैग बढ़ाकर भी नहीं कटिंग करते हैं और यहाँ से भी हम बराबर कटिंग करते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ सारा नीचे, यानी सारी इधर से भी और इधर से भी हर तरफ से हम उस पजामे को बराबर काटते हैं। पर वो पजामा ज़्यादातर क्या होता है, पजामा ज़्यादातर ढीला ही पहना जाता है और जो तो उस पर कोई फिटिंग का कोई हिसाब नहीं होता है, तो उस पर मैं आपको समझा देता हूँ। उस पर आपको थाई आसन का निशान लगाने के लिए क्या करना होगा, हिप का नाप लेंगे फिट में और जितनी भी हिप होगी उसका तिहाई भाग रख देंगे, उसमें आपको कम नहीं करना है, तो तिहाई भाग जितना भी होगा यानी तीसरा भाग उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आता है उतना ही आप आसन का निशान लगाएंगे ये नेफे वाला छोड़ कर। तो ये हो गया आसन। अब उसके बाद थाई की बारी आती है, तो उसमें आप थाई का नाप लेंगे, जितनी भी थाई होगी उसमें 4 इंच ऐड कर लें, 5 इंच भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो खुला ही होता है, तो कुछ लोग होते हैं बहुत मोटे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुला पहनते हैं बहुत ज़्यादा ढीला पजामा पहनते हैं, तो उसके लिए हम 5-6 इंच की भी लूजिंग दे देते हैं, तो जितना भी होगा उसका हाफ मार्क लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से भी बढ़ाकर नहीं रखना, यहाँ भी उसको बराबर रखना है। पॉकेट किस साइज़ के लिए कितनी रखना है इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।